नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी के सीईओ कहते हैं, गुणवत्ता केवल कर्मचारियों को शामिल करने एवं सशक्त बनाने के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। हॉटस्ट्रिप मिल विभाग में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और दीपिका महिला संगति की सदस्याओं द्वारा परोपकारी गतिविधियां आयोजित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय क्वालिटी सर्कल फोरम के राउरकेला शाखा द्वारा राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के सम्मेलन कक्ष में 8 सितंबर को आयोजित क्वालिटी कॉन्सेप्ट के 25वें वार्षिक शाखा सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार ने कहा, गुणवत्ता केवल कर्मचारियों को शामिल करने एवं सशक्त बनाने द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सीईओ ने कहा, गुणवत्ता के मूल में वह व्यक्ति हैं जो अपनी प्रतिभा एवं कड़ी मेहनत का प्रदर्शन करते हैं। इसके सरलीकरण कारक हैं टीम का चयन, टीम के सदस्यों को सशक्त बनाना, अनुभवों का साझा करना एवं उनके बीच स्पष्ट और खुले संचार करना। यदि ये सभी कारक मौजूद हैं तो गुणवत्ता को स्वचालित रूप से एक वांछनीय उत्पाद के रूप में पालन करना होगा। उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक वार्षिक शाखा सम्मेलन आयोजित करने के लिए राउरकेला शाखा को बधाई दी एवं रजत जयंती सम्मेलन से जुड़े सभी लोगों को सम्मानित किया। प्रारंभ में मुख्य अतिथि एवं मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्यों ने वैदिक श्लोक उच्चारण के बीच पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसमूह ने वंदे उत्कल जननी के सुमधुर गान के साथ उत्कल जननी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्क्स एवं राउरकेला शाखा के अध्यक्ष श्री शुभेंद्र दास ने शाखा के उद्देश्य में उनकी प्रतिबद्धता एवं सम्मेलन में उत्साहजनक भागीदारी के लिए सभी संबद्ध उद्योगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राउरकेला शाखा के प्रयासों के लिए धन्यवाद। गुणवत्ता आंदोलन ने इस क्षेत्र में जड़ें मजबूत कर चुकी हैं एवं परिणाम स्वरूप सभी लाभान्वित हुए हैं। नालको के कार्यपालक निदेशक स्मेल्टर एवं पावर प्लांट्स श्री राजकिशोर मिश्र एवं रिम्स के अध्यक्ष श्रीमती नलिनी प्रभा पटनायक ने भी इस अवसर पर कहा। उल्लेखनीय है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के 600 प्रतिभागियों वाली रिकॉर्ड 112 टीमें रजत जयंती सम्मेलन में भाग ले रही हैं। ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भुवनेश्वर के एचआर निदेशक एवं राउरकेला शाखा के उपाध्यक्ष श्री पी के महांती ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा वेदांत लिमिटेड के व्यापार श्रेष्ठता मुख्य एवं राउरकेला शाखा के उपाध्यक्ष श्री सुनील श्रीवास्तव ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। आरएसपी के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला की सहायक प्रबंधक सुश्री प्रीति कुमारी ने आरएसपी के पूर्व उप महाप्रबंधक गुणवत्ता एवं राउरकेला शाखा के सचिव श्री एससी प्रसाद के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का संचालन किया। हॉटस्ट्रिप मिल विभाग में 2 सितंबर को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी एचएसएम श्री पी मुरली ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कर्मचारियों को माह का कर्मचारी पुरस्कार एवं उपस्थिति पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक उपहार शामिल था। उप महाप्रबंधक एचएसएम इलेक्ट्रिकल श्री आर परिदा, उप महाप्रबंधक प्रभारी एचएसएम मैकेनिकल श्री के ओझा एवं विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री मुरली ने विजेताओं के प्रयासों की सराहना की और उनकी निष्ठा, समर्पित भावना एवं कठिन परिश्रम के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने अन्य को भी अपनाने हेतु अन्य से आग्रह किया। एचएसएम ऑपरेशन के वरिष्ठ तकनीशियन श्री सी जेना सहायक रोलर, श्री एम खेस सहायक रोलर, श्री जी एन सिंह एवं सहायक रोलर श्री ए के महाली को क्रमशः अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई 2017 माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया गया।
समारोह के दौरान कैलेंडर वर्ष 2016 में 305 या उससे अधिक दिन की उपस्थिति के लिए 17 कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। सहायक प्रबंधक कार्मिक एचआरएम श्री अविनाश ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला का एक प्रमुख परोपकारी संगठन दीपिका महिला संगति के सदस्यों ने 8 सितंबर को लाठीकटा ब्लॉक के करला खमन गांव में स्थित राधाकृष्णन दृष्टिहीन विद्यालय में एक विचार विमर्श कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीमती सविता कुमारी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर संस्थान के सदस्यों को खाद्य सामग्री वितरित की। डीएमएस की उपाध्यक्षाएं श्रीमती मीनाक्षी प्रधान, श्रीमती रूना दास, श्रीमती ज्योतिमयी साहू एवं श्रीमती रेखा अग्रवाल इस अवसर पर उपस्थित थीं। डीएमएस की सचिव श्रीमती लीना दास, डीएमएस शासी निकाय के सदस्य एवं सीएसआर की वरिष्ठ प्रबंधक श्रीमती अनंदिता महापात्र भी समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती सविता कुमारी ने अपने वक्तव्य में बच्चों की देखभाल करने में शिक्षकों और कर्मचारियों के समर्पण और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बच्चों को इन सुविधाओं का बेहतर लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया और शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अच्छे कार्यों को बनाए रखें और बच्चों की भलाई के लिए कार्य करें। गणमान्यों ने बच्चों को दूध, बिस्किट, केक, चॉकलेट, चिप्स और केले वितरित किए और उनसे बातचीत की। बच्चों ने वाद्य यंत्र के साथ स्वागत गीत एवं सोलो गीत प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएमएस की अध्यक्षा को ब्रेल पर लिखा उनका नाम उपहार स्वरूप प्रदान किया। गणमान्यों को शिक्षण पद्धति के संबंध में भी जानकारी दी गई। प्रारंभ में ओरिन लिमिटेड के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ शिक्षक श्री के परिडा ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। डीएमएस की सचिव श्रीमती लीना दास ने धन्यवाद ज्ञापन किया। संस्थान के सचिव एवं प्रधानाध्यापक श्री जी नायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि 1998 में प्रारंभ हुए इस आवासीय विद्यालय में सुंदरगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 38 अंधे बच्चे हैं। यहाँ कुल 12 शिक्षक एवं स्टाफ हैं। यहाँ कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक है। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा एक बार मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जो आरएसपी द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना है। हिंदी समाचारों का यह बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।